वहीं अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा ने गुरुवार को फरीदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस मनाया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ यज्ञ से किया गया। साथ ही सम्राट मेहर भोज की जयंती के शुभ अवसर पर एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली का उद्देश्य युवा के जीवन में सम्राट मेहर भोज के चरित्र को उतारना था। देखिए रिपोर्ट। अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा ने 24 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस मनाया गया। बता दें कि 24 अगस्त को सम्राट गुर्जर मिहिर भोज की जयंती दिवस है। सम्राट मिहिर की जयंती को ही गुर्जर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस कार्यक्रम का शुभ आरंभ यज्ञ के साथ किया गया। इस शुभ अवसर पर विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय मंत्री गौरव तंवर ने किया। इस रैली का मुख्य उद्देश्य युवाओं को सम्राट मिहिर की महान जीवन की जानकारी देना और उनके चरित्र को जीवन में उतारना था। इस मौके पर गौरव तंवर ने सम्राट मिहिर की महान जीवन की गाथा का वर्णन भी किया, जिससे युवाओं को उनकी महानता की जानकारी हो सके। आज हम अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के सौजन्य से अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस, जो कि गुर्जर सम्राट मिहिर भोज महान की जयंती के दिन मनाया जाता है, उसी के उपलक्ष्य में एक फरीदाबाद में एक विशाल शोभा यात्रा रैली का आयोजन कर रहे हैं। और उसी के उपलक्ष्य में आज पाखल टोल टैक्स यहाँ पर सबसे पहले तो हवन का आयोजन हुआ, जो हमारे सनातन धर्म और हिंदू धर्म में कहते हैं कि हवन सबसे पूजनीय होता है। तो पहले हवन का आयोजन, फिर नाश्ते का अरेंजमेंट हुआ सभी भाइयों के लिए, जो भी अपने कार्यकर्ता और जो भी हमारे अतिथि आए हुए हैं। और अब ये रैली हमारी अभी कुछ देर में यहाँ से चालू होकर ये पाखल टोल टैक्स से पाली, अनखीर, भाकरी, अनखीर गोल चक्कर से होती हुई आपके ओल्ड फरीदाबाद से गुजरवा सेक्टर 16 पहुँचेगी। और वहाँ पर फिर सभी लोग, सभी कार्यकर्ता, सभी अतिथि मीर भोज की मूर्ति पर, तस्वीर पर माल्या अर्पण करेंगे। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के खानपुर के विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने सम्राट मिहिर भोज जयंती धूमधाम से मनाई। इस कार्यक्रम का आयोजन उन्होंने अपने लडोरा हाउस देहरादून में आयोजित किया। इस मौके पर विधायक नरेंद्र सिंह, ध्रुव सिंह गुर्जर, विकास गुर्जर समेत सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे।